मथुरावी थाना हाईवे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या की घटना का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी के प्रेमी रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और मृतक की स्कूटी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान इसका खुलासा किया। 26/27 की रात में एक व्यक्ति जिनका नाम अनुराग चौधरी, वो अपने घर से गायब होते हैं और इसकी सूचना 28 तारीख को उनकी पत्नी द्वारा थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट के रूप में दर्ज कराई जाती है। रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत तत्काल पुलिस टीम उनकी तलाश में लगती है। सभी एंगल्स पे सीसीटीवी कैमरे, नाते रिश्तेदार, मोबाइल नंबर, इन सभी पहलुओं पर पड़ताल चल रही थी। इसी बीच कल जब परिजनों से उनके गहनता से पूछताछ हुई कि क्या उन्हें किसी पे शक है, शक नहीं है, तो कल मृतक के परिजनों ने लिखित रूप में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने जो गुमशुदा व्यक्ति अनुराग थे, उनकी पत्नी तथा उसके एक साथी जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था रविंद्र, उस पर शंका जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र दिया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में तथा इसकी गहनता से छानबीन की जाने लगी और जब उसमें एक आरोपी रविंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसने पूरी घटना को कबूला। उसने ये बताया कि मृतक की पत्नी से उसके नज़दीकियाँ बढ़ गई थी और इन दोनों ने प्लानिंग के तहत 26/27 की रात्रि में मृतक को काफ़ी मात्रा में शराब पिलाया और उसी की स्कूटी पर रविंद्र उर्फ राहुल, जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, वो यमुना पुल पे ले गया और वहाँ से उसको धक्का दे के गिरा दिया और साथ ही साथ स्कूटी को छुपा दिया। अभियुक्त की निशानदेही के स्कूटी बरामद की गई तथा नदी में तलाश करके शव बरामद किया गया, जिसकी परिजनों ने पहचान अनुराग के ही शव के रूप में की। इस तरह अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, उसकी निशानदेही पे स्कूटी तथा मृतक का शव बरामद किया गया है।